नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है द पर्ज इलेक्शन ईयर। और इस मूवी के इससे पहले ही दो पार्ट आ चुके हैं जो हम इस चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं आप इससे पहले की दो वीडियो देख सकते हैं या आप ऊपर इस टाइम एक लिंक फ्लैश होता हुआ देख रहे होंगे, आप उस पर क्लिक कर भी वो देख सकते हैं। तो इस मूवी में हम देखेंगे कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने देशवासियों के लिए पर्ज शुरू किया था उसके कारण से अब लोगों के अंदर गुस्सा है और अब कुछ लोग इस पर्ज को बंद करवाना चाहते हैं। और जिन लोगों ने इस मूवी से पहले के पार्ट उन्हें तो पर्ज का मतलब पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, पर्ज का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपने देशवासियों के लिए एक सिस्टम तैयार किया है जिसमें वो लोग साल में एक बार पर्ज मनाते हैं। मतलब 12 घंटे के लिए हर तरह के क्राइम करने की छूट गवर्नमेंट लोगों को दे देती है जिसमें मर्डर, चोरी सब कुछ शामिल है। और ये करने का कारण गवर्नमेंट बताती है कि इसके बाद अमेरिका के लोगों का दिल साफ हो जाता है और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। लेकिन पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ये इसलिए करती है कि वो पर्ज में अपने देश के सभी गरीब लोगों को मारती है जिससे उन लोगों का खर्चा बच जाता है। तो चलिए ये मूवी स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ हम देखते हैं एक फैमिली को एक आदमी ने पर्ज की रात को बंदी बनाकर रखा हुआ है और वो इस पूरी फैमिली के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा बचेगा। और सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरे अमेरिका शहर में जगह जगह पर दंगे और हड़ताल हो रही है इस पर्ज के खिलाफ, क्योंकि कुछ लोगों को अब समझ में आ गया है कि ये पर्ज केवल गरीब लोगों को जान से मारने के लिए बना है और गवर्नमेंट की ये एक चाल है जिससे वो अपना खर्चा कम करना चाहती है। और इस समय जो गवर्नमेंट अमेरिका पर रूल कर रही है उसका नाम है NFFA और इसी पार्टी ने पर्ज को अमेरिका में लाया है और ये पूरी तरह से चाहते हैं कि पर्ज हमेशा चलता रहे। लेकिन अब अमेरिका में काफी सारे ग्रुप भी बन चुके हैं जो इस पर्ज के बिल्कुल खिलाफ हैं। इन्हीं ग्रुपों में से एक ग्रुप है जिसका लीडर डांटे नाम का आदमी है और वो भी पूरी तरह से इस पर्ज को खत्म करना चाहता है। इसके बाद हम एक चार्ली नाम की औरत देखते हैं जो इस साल के इलेक्शन में खड़ी है। चार्ली वही औरत है जिसकी फैमिली को हमने मरते हुए मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वहां से जिंदा बच गई और अब वो भी पर्ज के बिल्कुल खिलाफ है और वो इस साल इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बनके इस पर्ज को बंद करवाना चाहती है। और इस बार पूरा अमेरिका शहर में चार्ली के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ NFFA और उनकी पूरी टीम जिन्होंने ये पर्ज कानून बनाया है, वो लोग जब ये सब देखते हैं कि चार्ली काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है और उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो वो लोग इस साल पर्ज पर एक नया कानून लाने की बात करते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं इस साल के पर्ज में किसी भी सरकारी आदमी को कोई भी सेफ्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक के सभी पर्ज में सभी तरह के सरकारी आदमी को ना मारने का रूल है, पर इस बार वो लोग चार्ली को जान से मारने के लिए इस नए रूल को लाने वाले हैं जिसके बाद कोई भी इंसान किसी भी सरकारी आदमी को जान से मार सकता है, यहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को। दूसरी तरफ हम लोग इस समय के करंट प्रेसिडेंट को देखते हैं जो चार्ली के साथ एक डिबेट करता है जहाँ लोगों का प्यार केवल चार्ली को ही मिलता है, क्योंकि चार्ली अपनी बातों से सभी लोगों का दिल जीत लेती है। और चार्ली के बॉडीगार्ड और उसके सिक्योरिटी इंचार्ज का नाम लियो है जो हमारी पिछली मूवी में भी था। अब यही डिबेट सभी लोग अपनी टीवी पर भी देख रहे होते हैं, उन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम जो है वो भी देखता है और जो एक स्टोर का मालिक है जिसके साथ उसका एक एम्प्लॉय मार्को भी है और उसकी एक फ्रेंड लैनी भी है, और ये सभी चार्ली के समर्थक है क्योंकि ये सब भी चाहते हैं अमेरिका से पर्ज को हटाया जाए। अब इसी बीच जो के स्टोर में दो स्कूल की लड़कियां आती हैं और वो दोनों जो के स्टोर से एक कैंडी चोरी करने की कोशिश करती हैं, जिसे सीसीटीवी में देखकर जो उन लड़कियों के पास जाता है और उन्हें ये करने से रोकता है, पर वो लड़कियां इतनी बदतमीज होती हैं कि वो जो को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं और वो लड़की होने का पूरा फायदा उठाती हैं। लेकिन तभी वहां पर जो की दोस्त लैनी भी आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां कैंडी वापस कर देती हैं, क्योंकि लैनी कुछ समय पहले तक इस शहर की काफी खतरनाक लड़की थी जिसका पूरे शहर में नाम है और उसका दूसरा नाम ही वालों ने ये रखा था लिटिल डेथ। लेकिन अब लैनी ने वो सब छोड़ दिया है और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। अब पर्ज शुरू होने में एक दिन बचा है और एयरपोर्ट पे हम देखते हैं दूसरे देशों से काफी सारे लोग अमेरिका में आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने सभी देशों को ये छूट दी है कि वो लोग खुद भी अमेरिका में आकर पर्ज मना सकते हैं। मतलब वो लोग यहां आकर किसी को भी जान से मार सकते हैं। तो पूरी दुनिया से काफी सारे लोग यहां आते हैं हर साल पर्ज मनाने के लिए। और दूसरी तरफ जब चार्ली और लियो ये खबर सुनते हैं कि इस साल के पर्ज पे किसी भी सरकारी आदमी को किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तो ये सुनकर लियो चार्ली को बोलता है कि उसको उसके साथ एक सेफ हाउस में रहना चाहिए पर्ज की रात के लिए। लेकिन चार्ली इसके लिए मना कर देती है क्योंकि अगर वो ये करे तो इस चीज का इम्पैक्ट लोगों पर गलत पड़ेगा और उन लोगों के वोट गिर जाएंगे। जिसके बाद वो बोलती है कि वो पर्ज की रात अपने ही घर में रुकेगी और उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लियो पर है। तो लियो चार्ली के घर की सुरक्षा में लग जाता है।
जाता है। और यहाँ जो भी अपने स्टोर सेफ्टी का काम कर ही रहा होता है कि उसके पास एक कॉल आती है और ये कॉल उसके स्टोर की इंश्योरेंस कंपनी का है, जिसमें उसे वो कंपनी बताती है कि इस साल होने वाले पर्ज के लिए अगर उसे अपने स्टोर का इंश्योरेंस कराना है तो उसे डबल अमाउंट देना पड़ेगा, और अगर उसने कल शाम तक ये पैसे नहीं दिए तो पर्ज में होने वाला कोई भी नुकसान वो कंपनी नहीं पे करेगी। अब ये सुनकर जो काफी गुस्सा होता है, क्योंकि एक ही रात में उन लोगों ने इतनी बड़ी पॉलिसी चेंज कर दी और इतना पैसा जो के पास नहीं है देने के लिए, तो जो आज पर्ज की रात अपने स्टोर को खुद ही सेफ करने प्लानिंग कर लेता है, अब पर्ज की रात आ जाती है और जो अपने स्टोर के बिल्डिंग की छत पर जाकर अपनी एक गन के साथ रेडी हो जाता है कि अगर कोई उसके स्टोर में तोड़फोड़ या घुसने की कोशिश करेगा तो वो उसे ऊपर से ही शूट कर देगा। और दूसरी तरफ लैनी एक एम्बुलेंस लेकर लोगों की मदद करने के लिए शहर में चली जाती है, क्योंकि लैनी ने जब से अपने पुराने काम छोड़े हैं तब से वो पर्ज की रात घायल लोगों की हेल्प करना चाहती है। और यहाँ लियो भी चार्ली के घर को पूरी तरह से सेफ कर देता है, और इसके बाद एक काफी जोरदार सायरन बजता है जिसका मतलब पर्ज शुरू हो गया, और अब अगले 12 घंटे तक कोई भी इंसान किसी भी इंसान को जान से मार सकता है। और यहाँ जो के पास उसका एम्प्लॉय मार्को भी उसका साथ देने के लिए आ जाता है, तो वो दोनों अपनी अपनी गनों के साथ अपने स्टोर को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जो के स्टोर के बाहर एक कार आती है जो पूरी तरह से लाइटों से सजी होती है, और उस कार में से कुछ लड़कियां अपनी AK-47 गन के साथ बाहर आती है, और ये कोई और नहीं, ये वही लड़कियां हैं जो दिन में जो के स्टोर में घुसकर चोरी कर रही थी और जो ने उन्हें स्टोर से भगा दिया था। और अब ये पर्ज की रात जो से अपना बदला लेने आई है, लेकिन जो उन लड़कियों को चेतावनी देने के लिए एक फायर करता है, पर उन लड़कियों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जो का एम्प्लॉय मार्को एक गोली चलाता है, जो गोली सीधा उस लड़की के कान को टच कर निकलती है, जिसे देखकर वो लड़कियां और गुस्से में होकर वहां से चली जाती है। और यहां चार्ली के घर पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर तभी चार्ली के टीम के दो लोगों को घर में लगे सभी CCTV कैमरास को छेड़ देते हैं ताकि बाहर क्या चल रहा है ये किसी को ना दिख पाए, जिसके बाद घर के बाहर एक ट्रक आता है जिसमें से कुछ आर्मी जैसे दिखने वाले लोग जो असल में प्राइवेट हायर किए हुए गुंडे होते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि लियो के टीम के ये दोनों लोग NFFA के साथ मिले हुए हैं और वो पैसों के लिए चार्ली को मरवाना चाहते हैं, और ये सभी गुंडे NFFA ने ही चार्ली को मारने के लिए भेजे हैं। अब वो लियो के सभी टीम को मारते हुए घर के अंदर घुसे चले जाते हैं, लेकिन इसी बीच लियो को कैमरों में हुई छेड़खानी दिखाई दे जाती है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो सीधा चार्ली को लेकर घर में बने एक खुफिया सुरंग से वहां से भाग जाता है। पर उन गुंडों की फोर्स का एक आदमी उनको भागता हुआ वहां से देख लेता है, जिसके एक्शन में वो उन पर गोलियां चलाता है और उन्हीं में से एक गोली लियो के कंधे पर लग जाती है, पर वो लोग बिना किसी नुकसान के वहां से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन आज की रात पर्ज की रात है और चारों तरफ खतरे के अलावा और कुछ नहीं है। अब काफी बचने के बाद लियो और चार्ली अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ही रहे होते हैं कि उन लोगों को कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो यहां पर पर्ज मना रहे होते हैं, मतलब वो किसी को ढूंढ ही रहे होते हैं जान से मारने के लिए। इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि लियो भी कुछ नहीं कर पाता है, और ये लोग चार्ली को पहचान भी लेते हैं कि ये वही औरत है जो पर्ज को बंद करवाना चाहती है, तो वो लोग अब किसी भी कीमत पर चार्ली और लियो को वहां से जिंदा नहीं जाने देंगे और वो उनसे खिलवाड़ करते हुए उन्हें जान से मारने ही वाले होते हैं कि पीछे से जोए और मार्को आकर उन सभी लोगों को शूट कर देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जोए की शॉप के पास में ही हो रहा था और उसने जब ये देखा तो वो उनकी हेल्प करने के लिए नीचे आ गया। अब जोए उन लोगों को लेकर सीधा अपनी शॉप के अंदर चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये चार्ली है, और उन्हें इन दोनों को बचाने पर काफी खुशी होती है, क्योंकि वो लोग भी यही चाहते हैं कि चार्ली प्रेसिडेंट बने और पर्ज को रोक दे। इसके बाद लियो स्टोर को पूरी तरह से चेक करता है, और जब उसे 100% लगता है कि स्टोर चारों तरफ से सेफ है, वो आज पूरी रात चार्ली को वहीं रुकने की बात बोल देता है। लेकिन कुछ ही समय बाद स्टोर के बाहर फिर से वही कार आ जाती है, जो इस बार अपने साथ और एक्स्ट्रा कार लेकर आई है, और इस कार में से फिर से वही लड़कियां निकलती हैं जिन्हें अभी कुछ ही टाइम पहले जोए ने गोली मारकर भगाया था। बट इस बार ये लड़की अपने साथ और लोगों को लेकर आई है और ज्यादा हथियार भी लाई है जोए को मारने के लिए और उसके स्टोर को खत्म करने के लिए। इसके बाद ये लड़कियां जोए के स्टोर के दोनों तरफ के दरवाजों को काटना शुरू कर देती है, और स्टोर से बचने का और दूसरा कोई भी रास्ता ना देखकर जोए लैनी को मैसेज कर देता है और वो जल्दी से उसे यहाँ आने के लिए बोलता है। तो लैनी एम्बुलेंस से सीधा जोए के स्टोर के एक दरवाजे पर पहुंच जाती है, और वो पहुंचते ही उस दरवाजे पर खड़ी सभी लड़कियों को जान से मार देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है ये लैनी कुछ समय पहले किस तरह की लड़की होगी, जिसके बाद वो सभी को अपनी एम्बुलेंस में बिठा लेती है। लेकिन जोए वहां से जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके जाते ही उसका स्टोर तहस नहस कर दिया जाएगा, तो इसलिए वो वहां से जाने से मना कर देता है। लेकिन मार्को उसे समझाता है कि अगर हम लोग जिंदा रहे तो इस स्टोर को दोबारा से बना देंगे, तो जोए भी उसी एम्बुलेंस में बैठ जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि पर्ज के दिन जल्दी से कोई भी एम्बुलेंस पर अटैक नहीं करता है, तो वो लोग इस एम्बुलेंस में सेफ है। लेकिन कुछ ही समय बाद NFFA उन्हीं गुंडों की फोर्स अपने हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस पर फायर करती है, जिससे बचने के लिए वो लोग अपनी एम्बुलेंस एक अंडरग्राउंड में ले जाते हैं, जिसके बाद उनके पास कुछ टाइम आ जाता है। पर लियो बार बार यही सोचता है कि इन लोगों को बार बार इन लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चल जाती है, तो वो थोड़ा दिमाग लगाता है और वो जल्दी से अपने कंधे में फंसी गोली अपने हाथों से निकाल देता है, और उस गोली को देखकर पता चलता है कि जो गोली उसे
से मारी गई, उस गोली में एक ट्रैकर लगा हुआ है जिसकी मदद से वो लोग लियो को ट्रैक करते जा रहे हैं। लेकिन गोली निकालने के बाद एम्बुलेंस के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं जो इस एरिया के लोकल गैंगस्टर हैं, और वो लोग जबरदस्ती इन लोगों की एम्बुलेंस का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉय उन सबको पहचान लेता है और वो एक सीटी मारता है, और ये सीटी इन गैंग का एक खुफिया कोड होता है जिसे सुनकर उन गैंगस्टरों को ये समझ में आ जाता है एम्बुलेंस में अपने ही लोग, और वो एम्बुलेंस पर जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं। जिसके बाद जॉय सबको बताता है कि वो भी कुछ टाइम पहले इसी गैंग में था। अब जॉय अपनी एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है और उन गैंग का लीडर अपना एक साथी जॉय को देते हुए बोलता है कि उन लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए, जिसके बदले में लियो उनसे अपना एक काम करने के लिए बोलता है, जिसमें वो सभी गैंगस्टर उस गोली की मदद से उन गुंडों में से दो लोगों को अपने पास बुला लेते हैं और वो उन दोनों लोगों को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। अब ये देखकर इन गुंडों का लीडर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ लैंसी सबको एक सेफ जगह पर ले जाती है जहाँ पर इस समय काफी सारे लोग मौजूद हैं, और ये सभी लोग वो हैं जो या तो पर्ज में घायल हुए हैं या पर्ज से बचना चाहते हैं, और इस जगह पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब चार्ली की मुलाकात डांटे नाम के आदमी से होती है जो उसी गैंग का लीडर है जो अमेरिका से पर्ज को हटाना चाहती है। अब डांटे चार्ली को वादा करता है कि वो लोग यहाँ सेफ रहेंगे क्योंकि उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, और वो खुद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ लियो कुछ सेफ है ये चेक करने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा होता है कि तभी वो एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ उन लोगों को पता चलता है कि डांटे ने पूरी प्लानिंग बना ली है NFFA के मिनिस्टर को जान से मारने की, और अभी जहाँ डांटे गया है वो अपने इसी काम को पूरा करने गया है क्योंकि आज रात NFA के सभी मिनिस्टर एक चर्च में इकट्ठे होने वाले पर्ज मनाने के, और वो उसी चर्च में की मदद से घुसकर उन सबको जान से मार देगा। लेकिन ये देखकर चार्ली उन्हें ये करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से NFFA को लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी और वो इस इलेक्शन में हार सकती है। लेकिन काफी देर हो चुकी है। दूसरी तरफ लियो CCTV में देखता है कि कुछ आर्मी के ट्रक उनकी जगह के बाहर आ गए हैं, और उनमें से काफी मात्रा में आर्मी सोल्जर्स निकल रहे हैं जो सीधा उन्हीं की ओर बढ़ते आ रहे हैं, और ये आर्मी गवर्नमेंट की आर्मी है जिसे गवर्नमेंट ने यहाँ इसलिए भेजा है कि वो जाकर उन सबको खत्म कर दे जो भी इस पर्ज के खिलाफ है। तो ये देखकर चार्ली और लियो वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं, और अब ये सब शहर से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर खतरा थोड़ा कम होगा। तो वो लोग एक कार में बैठकर शहर से बाहर जा ही रहे होते हैं कि एक आर्मी ट्रक उनकी कार को टक्कर मारता है, और उस ट्रक में से कुछ आर्मी के लोग निकलकर चार्ली को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लियो को ये पता होता है ये सभी लोग चार्ली को लेकर सीधा चर्च जाएंगे जहाँ पर इस समय NFFA के सभी मिनिस्टर मौजूद हैं, और यहाँ चार्ली को उस चर्च में लाने के बाद बुरी तरह से बांध दिया जाता है क्योंकि अब चार्ली को ये लोग जान से मारेंगे क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर पर्ज को सेलिब्रेट कर रहे हैं और काफी सारे लोगों को एक एक करके जान से मारते जा रहे हैं। यहाँ लियो भागकर सीधा चर्च के बाहर पहुंच जाता है जहाँ उसको डांटे अपने लोगों के साथ मिल जाता है क्योंकि डांटे भी चर्च पर हमला करने ही वाला है NFFA के लोगों को मारने के लिए। तो लियो डांटे को पूरी स्टोरी बताता है। तो अब डांटे और लियो दोनों मिलकर चार्ली को बचाने के लिए चर्च के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, और यहाँ चार्ली को NFFA का एक मिनिस्टर अपनी चाकू से मारने ही वाला होता है कि ऊपर से लियो और उसकी पूरी टीम उन सब पर गोली चला देती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और कई लोग वहां से भाग जाते हैं, पर चार्ली की जान बच जाती है। अब आखिरी में डांटे का एक आदमी NFFA एक मिनिस्टर को पकड़ लेता है। वो डांटे उसे मारने के लिए सीधा उस मिनिस्टर की ओर जाता है, पर चार्ली उसे रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम लोगों ने इसको आज यहीं मार दिया तो इन लोगों को लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी और उसका इलेक्शन में जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो डांटे उस मिनिस्टर को जिंदा छोड़ देता है, जिसके बाद वो कार लेने के लिए पार्किंग में जाता है जहां पर वो गुंडे भी आ जाते हैं जो डांटे के ऊपर गोली चला देते हैं जिसमें डांटे को काफी सारी गोलियां लगती हैं और वो मारा जाता है। पर लियो भी डांटे को बचाने के लिए वहां आ जाता है, और अब उन सबके लीडर और लियो की आपस में काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन एंड में लियो उसको जान से मार देता है। और यहाँ दूसरी तरफ चार्ली और सभी लोग वहाँ बंदी बनाए गए सभी लोगों को छुटा ही रहे होते हैं कि उस चर्च का पादरी आकर चार्ली के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन जोए उस गोली के बीच में आ जाता है और वो गोलियां जोए के लगती है, लेकिन बदले में जोए भी उस पादरी को जान से मार देता है। और अब जोए अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है जिसमें वो जाने से पहले चार्ली से ये वादा लेता है कि वो जीतने के बाद सबसे पहले इस पर्ज को खत्म करेगी, और वो अपना दम तोड़ देता है। अब हम मूवी में 2 महीने आगे चले जाते हैं जहां हम देखते हैं चार्ली इन इलेक्शनों में जीत गई है, और उसके जीतने के बाद पूरे शहर में जो लोग चाहते हैं कि पर्ज खत्म हो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो लोग नहीं चाहते हैं अब वो लोग शहर में दंगे करना शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ अब जोए के स्टोर को मार्को ही संभालता है, और मूवी यही एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और साथ में मैं इस वीडियो के बाद इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, तो आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।